तो गाइस यार सिंचैन को मैं साइकिल दिला कर लाया हूँ, जो कि अपनी गाड़ी के ऊपर रखी हुई है। ये साइकिल सिंचैन को भी भाई काफी ज्यादा अच्छी लगी है। और यार वहाँ से आते वक्त हमें काफी ज्यादा रात हो चुकी है। और भाई ये गाड़ी को क्या हुआ भाई, अचानक से ये कैसे बंद हो गई? अरे फ्रैंकलिन भैया यार, यहाँ तो सुनसान रास्ता है यार, यहाँ क्यों बंद कर दी तुमने ये गाड़ी? अब सिंचैन पागल हो रहा है क्या, मैं क्यों बंद करूँ, अपने आप बंद हुई है। रुक जा एक बार देख लेता हूँ, मैं इंजन में कुछ खराबी वराबी आ गई शायद। तो देख स्टेरिंग के पास में एक बोनट को खोलने का बटन होगा, देख उसे दबा दे तू फटाफट। अरे मैंने दबा दिया फ्रैंकलिन भैया। यार ऐसे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आने का, मैं क्या करूं भाई अभी इस टाइम। और यहाँ पर तो कोई भाई गाड़ी अभी नहीं आ रही है, पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है। अरे हाँ यार, मेरे को याद आया, यहाँ से थोड़ी सी दूर एक पेट्रोल पंप है, वो रहा भाई वहाँ पर दिखाई भी दे रहा है मेरे को यहाँ से। एक बार मैं आपको अपने फोन के कैमरे से दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा दूंगा भाई, आपको भी अच्छे से दिखाई दे जाएगा। अभी यहाँ से भाई मेरे को भी इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो भाई वहाँ पर जो लाइटें जल रही है ना, वो रहा भाई वहाँ पर पेट्रोल पंप, पर यार वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, बस देखने में पास लग रहा है। अरे हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ भाई, अभी हम सिंचैन के लिए साइकिल लाया ने भाई, उस पे चलता हूँ मैं। हो सकता है वहाँ पर कोई मैकेनिक भी मेरे को मिल जाए, जो कि गाड़ी ठीक कर दे, या फिर भाई वहाँ से किसी की हेल्प मांग लेंगे, कोई अपनी कार दिखा दे या फिर कुछ और दिखा दे, बाइक वगैरह। भाई कोई बंदा हमें हमारे घर भी छोड़ आएगा ना भाई, वो भी अच्छी बात होगी। पर लेकिन वहाँ कोई मिले जब ही तो यार, ये तो देखना पड़ेगा। वैसे लाइट वगैरह तो सब जली पड़ी है वहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे कि पेट्रोल पंप ओपन हो। चलो भाई फाइनली मैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पे पहुंचने तो वाला हूँ, फटाफट से निकलते हैं भाई और तेज चला दो साइकिल पर। एक सेकंड भाई, वहाँ पर एक कार खड़ी हुई है भाई, उसी से हेल्प मांग के देखते हैं सबसे पहले, क्या पता यही बंदा भाई हमें हमारे घर तक छोड़ आए। वैसे यार ये कार कौन सी है, देखने में तो मस्त लग रही हो। बे स्कॉर्पियो भाई रेड कलर की, हेलो भाई कोई है क्या यहाँ पे? गाड़ी में कोई भी नहीं है। कौन बेवकूफ भाई ऐसे कार छोड़ के चला गया भाई, चालू कार है एकदम, इंजन विंजन सब स्टार्ट करके छोड़ रखा है भाई। कौन है भाई, है क्या कोई यहाँ पे? हेलो भाई, हो सकता कोई टॉयलेट करने चला गया हो, एक बार इधर भी आवाज मार लेता हूँ भाई। हेलो भाई कोई है क्या यहाँ पे, जिसकी कार खड़ी है ये रेड कलर की स्कॉर्पियो? भाई कोई भी नहीं सुन रहा, इसका मतलब कोई ऐसे ही छोड़ के चला गया। एक सेकंड भाई, ऐसा भी तो हो सकता है इसका पेट्रोल खत्म हो गया हो और वो बंदा कैन वगैरह में वहाँ पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने गया हो। तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, अपनी साइकिल लेके सबसे पहले भाई पेट्रोल पंप पे ही निकलता हूँ, वहाँ जाकर ही भाई सब कुछ पता लगने वाला है। तो फटाफट से साइकिल उठाता हूँ और निकलता हूँ भाई पेट्रोल पंप के लिए। वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़ा सा ही दूर बचा हुआ है बस। वैसे यार इस साइकिल को मैं चला चला कर बहुत ज्यादा थक चुका हूँ यार, मेरे से सही से चल भी नहीं रही है यार ये। अबे यार कितने ज्यादा जोर लगाने पड़ रहे हैं इस साइकिल को चलाने के लिए भाई। यहाँ पर एक तो ऊंचाई आ गई भाई, चढ़ाना तो पड़ेगा भाई मेरे को यहाँ पर। फ्रैंकलिन की सांसें फूल चुकी है भाई, कितना ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है इस बंदे को। एक सेकंड यार, मैं यहाँ पर आ तो गया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, इस कार के अंदर कोई है क्या? हेलो भाई साहब कोई है यहाँ पे? देख तो भाई चल के यहाँ पर कोई है क्या? अबे कोई भी नहीं है इस कार में, किसकी कार खड़ी हुई है फिर यहाँ पे ये? अबे कोई तो आ जाओ यार, पूरे रोड पे कहीं कुछ भी कोई नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, कम से कम पेट्रोल पंप पे तो कोई मिलो यार, यहाँ का मालिक कहाँ है भाई? यहाँ से तो निकलता हूँ भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ऊपर से यहाँ पर कैमरे और लगे हुए हैं, अगर यहाँ पर कैमरे ना लगे होते ना भाई, इस ब्लैक वाली कार को लेके निकल लेता मैं तो। अब यार क्या करूँ भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया था, मेरे को स्कॉर्पियो भी दिखाई दी थी वहाँ पर, जो कि मेरे को अभी फिर से दिखाई दे चुकी है भाई। इसी को लेके मैं अब घर जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। और हो सके तो भाई इस कार को मैं बाद में जो है पुलिस स्टेशन में देकर आ जाऊंगा, पर भाई अभी मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है भाई, मेरे को इसको लेकर जाना पड़ेगा। और भाई ये जो है सिंचैन की साइकिल जो मैं लाया था भाई, इसको मैं इसी के ऊपर रख देता हूँ। इस कार की हेडलाइट क्यों नहीं जल रही यार, हेडलाइट खराब हो रखी है क्या यार? कितने भी कोशिश कर रहा हूँ, जल गई भाई, परफेक्ट। इसकी हेडलाइट रेड कलर की है भाई, कोई पागल बंदा ही होगा जिस बंदे ने हेडलाइट को रेड करवाया है। शायद उसने रेड कलर इसलिए करा लिया होगा क्योंकि भाई ये पूरी गाड़ी ही रेड है, पूरा मैचिंग करवा दिया भाई बंदे ने। चलो भाई यहाँ पर साइकिल भी मैंने इसके ऊपर रख दी, अभी फटाफट से सिंचैन और चोप के पास चलते हैं। वैसे यार ये कार चल तो एकदम मस्त रही है भाई, क्या ही स्पीड है इसकी, कंट्रोलिंग भी कितनी प्यारी है यार इस कार की, आराम से कंट्रोल हो रही है कार। रुक जाओ भैया, वह आगे निकल गया मैं, ब्रेक भी कितने मस्त है यार। चलो भाई फटाफट से सिंचैन और चोप को भी इस कार में बैठाते और फिर भाई सीधे निकलते हैं अपने घर के लिए। आ जाओ भाई सिंचैन और चोप, देखो कितनी मस्त कार मिली है मेरे को आज। अरे फ्रैंकलिन भैया यार, इतनी मस्त कार कहाँ से ले आए तुम? अबे भाई सारी की सारी बातें तुम्हें मैं बता दूंगा, पहले कार में तो बैठो तुम दोनों के दोनों। और मैं फटाफट से यहाँ पर टो ट्रक को कॉल करके भाई अपनी लोकेशन भेज देता हूँ, और भाई घर की भी लोकेशन भेज दूंगा, वो भाई हमारे घर पर ही हमारी कार को ले जाकर छोड़ देगा। टो ट्रक वाले को मैंने अपनी लोकेशन और यहाँ की लोकेशन, मतलब अपने घर की लोकेशन और यहाँ की लोकेशन दोनों भेज दी है, वो भाई 10-15 मिनट में आके यहाँ से इस कार को टो करेगा और भाई सीधे ही हमारे घर पर पहुंचा देगा। अरे फ्रैंकलिन भैया यार, अब तो बता दो ये कार तुम्हें कहाँ से मिली है? मैं सिंचैन यहीं से तो भाई ये कार मैंने उठाई है, इसी वाले रोड पे से, पता नहीं भाई किसकी कार थी, बस मैं उठा के ले आया, क्योंकि भाई इस रोड पे देख ले कोई भी नहीं है भाई, पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है। और हाँ यार मेरे को तो कल सुबह यार मेरे को दोस्त से भी मिलने के लिए जाना है, मतलब कि अपने माइकल दोस्त से मिलने के लिए जाना है, तो वहां पर भी मैं इसी कार को लेकर जाने वाला हूँ। वहां से आऊंगा, उसके बाद में इस कार को भाई पुलिस स्टेशन में जमा करके आएंगे, वहां पर छोड़
छोड़कर आएंगे। चलो यार फाइनली हम अपने घर तो पहुंच चुके हैं। सिंचन कल तो तेरे मजा आने वाला है भाई, सुबह सुबह उठते ही नई नई साइकिल चलाने को मिल जाएगी। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, ये बात तो तुम एकदम सही कह रही हो, मजा आएगा यार कल के दिन तो। चलो भाई जल्दी से उतरो तुम लोग और इस कार को भी उतारो और चोप तू भी नीचे उतर। तो ये दोनों तो कार से उतर चुके और भाई साइकिल हमने यहाँ पर साइड पे खड़ी कर दी है। अभी मैं फटाफट से इस स्कॉर्पियो को अपने गैराज में खड़ी कर देता हूँ और फिर उसके बाद में सोने के लिए चलेंगे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मेरे को तो नींद नहीं आने वाली यार, कल साइकिल चलाने को मिलेगी। अबे साइकिल कल चलाने को मिलेगी ना कि आज, अभी तो सो जा आराम से। तो चलो भाई अपनी स्कॉर्पियो को, मतलब अपनी नहीं किसी और बंदे की जिसकी भी स्कॉर्पियो, उसको भाई गैराज में लगा दिया मैंने। चलो भाई एकदम परफेक्ट लग चुकी है, अभी भाई चलते हैं सोने के लिए। आ जाओ भाई सिंचन और चोप फटाफट से, भाई काफी ज्यादा रात हो चुकी है, चल के सोते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया यार चलो जल्दी चलो। अबे अब किस बात की जल्दी है तेरे को, सुबह तो उसी टाइम होगी जिस टाइम हमेशा होती है भाई, अब जल्दी थोड़ी ना हो जाएगी। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया बात तो एकदम सही कह रहे हो। चलो यार सो जाओ तुम लोग भी जाके, मैं तो सो रहा हूँ। गुड नाइट भाई सिंचन चोप। गुड नाइट फ्रैंकलिन भैया, गुड नाइट, जा रहा हूँ यार जा रहा हूँ। हाँ यार एकदम कमर से सीधी हो गई भाई बेड पे लेटते ही। गुड नाइट गाइस। फ्रैंकलिन भैया यार, फ्रैंकलिन भैया जल्दी उठो ना यार। अबे क्या हो गया भाई सिंचन? अरे फ्रैंकलिन भैया यार जल्दी से बाहर जाके देखो ना यार क्या हुआ है, तुम खुद ही देख लो जाके। वैसा क्या हो गया, टाइम क्या हो रहा भाई, 9:15 हो चुकी है। अबे तू क्यों इतना घबराया हुआ है, बता तो दे कुछ। और आज तो साइकिल भी नहीं चलाने गया भाई, रात तो इतना खुश हो रहा था, अब इतना घबरा रहा है ऐसा क्यों? अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार एक बार जाके तो देखो जल्दी से। अबे भाई अब जा तो रहा हूँ, क्यों घबरा रहा है इतना? अबे कहीं पुलिस वुलिस तो नहीं आ गई भाई, हम कल कार ले आए थे वो, वैसे दिख तो रही नहीं भाई यहाँ पर। देखते भाई कार कहाँ पे है, भाई कार तो सही सलामत है, हुआ क्या है? अरे भाई अब साइकिल को देखो ना यार। अबे ये क्या हो गया, पूरी साइकिल अलग कर दी भाई तोड़ के, ये तेरे दोस्तों का काम तो नहीं है कभी भाई, वो जल गए हो तेरे से साइकिल देख के। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया मेरे दोस्त तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं यार। अबे फिर यार कौन तोड़ सकता है तेरी साइकिल, वो भी इतनी बुरी तरीके से भाई, दोनों पहिया अलग हो गए। अरे फ्रैंकलिन भैया यार मुझे क्या पता, मुझे पता होती तो मैं तुमको बता नहीं देता क्या यार? हाँ यार ये भी सही है, पर छोड़ भाई अब क्या ही कर सकते है, तेरे को एक और नई साइकिल ला के दे दूंगा। अभी मेरे को अपने दोस्त माइकल से मिलने के लिए जाना है भाई, मैं फटाफट से उसके यहाँ पर निकलता हूँ। तू घर का ध्यान रखियो और भाई मैं थोड़ा लेट भी हो सकता हूँ, रात को आऊँ भाई हो सकता है ऐसा, क्योंकि भाई काफी दिन से नहीं मिले भाई, काफी सारी बात करनी है मेरे को अपने दोस्त से। अरे ठीक है यार फ्रैंकलिन भैया तुम जाओ, पर लेकिन यार मेरे को प्लीज यार एक और साइकिल दिला देना। ठीक है सिंचन तेरे को एक और नई साइकिल दिला दूंगा भाई, टेंशन मत ले तू। तो चलो भाई अभी सिंचन तो अंदर जा चुका, अभी मैं फटाफट से भाई अपने माइकल दोस्त के यहाँ पर निकलता हूँ इस स्कॉर्पियो से। वैसे यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, इसकी साइकिल तोड़ी तो तोड़ी किसने यार? भाई मेरे को तो इसके दोस्त का ही काम लग रहा है। वैसे यार गाइस आपको पता हो तो आप लोग फटाफट से कमेंट में बता दो ये काम करा किसने। सिंचन बोल रहा था कि नहीं उसके दोस्त ऐसा नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं उसके दोस्त। पर यार आजकल के लोग भाई भरोसा करने लायक नहीं है भाई, आजकल के लोग ना भाई किलसते हैं बस एक दूसरे को देख के। मैं फ्रैंकलिन और ट्रेवर भाई हम तीनों की दोस्ती इतनी पक्की है ना भाई, कोई भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकता। अभी माइकल से तो मिलने के लिए जा रहा हूं भाई, ट्रेवर से भी मिले हुए काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं, उससे भी किसी दिन मिलेंगे। तो ये लो भाई यहां पर मैं माइकल के घर पर आ चुका हूं, ये गेट भी भाई खुल चुका है, इसका गेट का सेंसर काफी बढ़िया है यार। और हाँ यार माइकल ने मेरे को कॉल पर बताया था कि वो अभी इस टाइम अपने घर पर अकेला रह रहा है क्योंकि उसकी फैमिली जो है कहीं बाहर घूमने के लिए गई हुई है। अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता भाई वो अंदर होगा या फिर नहीं। वेट वैसे गेट तो खुला हुआ है, अंदर ही होगा भाई। माइकल है क्या यहाँ पे? अरे हाँ फ्रैंकलिन अंदर ही हूँ भाई, आ जा। अंदर ही है भाई, है कहाँ पे भाई, दिखाई तो दे नहीं रहा। अब भाई फुल मजे में बैठा हुआ है यहाँ पे, अकेला है तो। अब हाँ यार फ्रैंकलिन और क्या ही करूँ भाई, अकेला हूँ तो खुला बैठता हूँ एकदम, कोई रोक टोक नहीं है भाई बिल्कुल।
बिल्कुल भी। बैठ बैठ भाई, तू भी बैठ जा, क्यों खड़ा हुआ है? और बता भाई फ्रैंकलिन, क्या हाल है तेरे? हाल चाल तो भाई मस्त है एकदम, पर भाई पता नहीं आज एक अजीब सा सीन हो गया मेरे साथ। अबे क्या अजीब सा सीन हो गया, मुझे भी तो बता दे भाई। यार कल रात मैं सिंचैन के लिए एक साइकिल लाया था, और वो साइकिल मैंने अपने घर के साइड में, मतलब घर के सामने ही साइड में आराम से लगा दी थी, और सुबह उठ के देखा तो भाई वो साइकिल टूटी वूटी पड़ी थी भाई, टायर अलग पड़े हुए, साइकिल अलग पड़ी हुई है। भाई ये किसने कर दिया? पता नहीं यार कौन है भाई ऐसा। अरे यार ये कौन इतनी देर से हॉर्न बजाए जा रहा है, रुक जाओ यार देखता हूँ जाके। अरे लगता है फ्रैंकलिन भैया आ गए हैं। अरे आ रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया, यार रुक जाओ जल्दी आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे यार इसके अंदर तो कोई भी नहीं बैठा, फिर ये गाड़ी कैसे ऑन है भाई? अरे फ्रैंकलिन भैया यार तुम हो क्या इस गाड़ी के अंदर? अब ये गाड़ी तो अपने आप चल रही है, इसके अंदर तो कोई भी नहीं है। यार ठोक दिया भाई ने मेरे को, ठोक दिया। अब ये क्या भूतिया कार है भाई? मैं छोड़ दे भाई, मेरे को मर जाऊंगा भाई, मैं छोड़ दे भाई, जल्दी छोड़ दे भाई, छोड़ देना। अब इसको गन निकाल के मारूंगा ना भाई, अभी फूट जाएगी। वैसे ये कार अपने आप चल कैसे रही है यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे पीछे मत लाइयो यार, मैं तो मार दिया यार इसने। चल यार माइकल निकलता हूँ मैं यहाँ से। अबे भाई 11:19 हो चुकी है, सिंचैन यार घर पे अकेला है। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से जाइयो। हाँ ऐसे दिक्कत तो है नहीं, वो घर में ही था। वैसे यार माइकल हमने आज बहुत सारी बातें कर ली है, मैं सुबह सुबह तेरे पास आया था, और अभी रात के 11:00 भाई, 11:19 हो चुकी है। अरे हाँ यार मिले भी तो हम काफी दिनों बाद है ना। हाँ यार ये भी बात सही है, काफी दिनों बाद मिले हम दोनों। और यार ट्रेवर से भी मिलेंगे किसी दिन दोनों साथ में। हाँ भाई क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे उससे भी। चल ठीक है माइकल, ध्यान रखियो भाई, मिलते हैं किसी और दिन। ठीक है यार तू भी अपना ध्यान रखियो। चलो यार सिंचैन घर पे अकेला भाई, अभी फटाफट से निकलता हूँ। सिंचैन तो सो भी गया होगा यार, 11:30 भाई, वो 10 तक सो जाता है, या हो भी सकता है भाई अभी तक टीवी देख रहा हो, वेट कर रहा हो मेरा। वैसे ये तो भाई अब घर जाके पता लगने वाला है वो कर क्या रहा है, सो रहा है या फिर टीवी देख रहा है या फिर क्या कर रहा है। यार मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ बंदे यार इस कार को देख के भागे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे कहीं ऐसा तो नहीं है यार ये कार किसी क्रिमिनल की हो भाई, वो बंदा जान पूछ कर इस कार को छोड़ के गया और भाई मैं वहां से उठा के ले आया इसको। पता नहीं यार क्या हो रहा है भाई, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं फटाफट से भाई घर निकल रहा हूँ, और कल सुबह भाई इस कार को जो है मैं पुलिस स्टेशन में छोड़ के आ जाऊंगा भाई, मैं फ्री होना चाहता हूँ इस कार से। पर लेकिन यार एक दिक्कत भी तो हो सकती है, मैं पुलिस स्टेशन में गया और ये कार सच्ची में क्रिमिनल की निकली, तो भाई वो बंदे तो मेरे पे शक करेंगे ना। छोड़ो यार अभी भाई, मैं टेंशन फ्री होना चाहता हूँ भाई, अभी मैं आराम से सो जाऊँ बस रात में, वरना मेरे दिमाग में रात तो यही चलेगा भाई, सपने में भी ये सब आ जाएगा, इसलिए ये सब ना हो भाई, आराम से इस गाड़ी को लगा कर आता हूँ अपने गैराज में भाई, आराम से सोएंगे बिना किसी दिक्कत के, और कल की कल देखी जाएगी भाई क्या होने वाला है। भाई मैं कोई गलत बंदा तो हूँ नहीं, जो मेरे साथ हुआ है मैं पुलिस वालों को बता दूंगा भाई, शक करेंगे तो फिर बाद में देखी जाएगी उस चीज की। लेकिन एक सेकंड भाई, वो क्या है वहाँ पे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वहाँ पर सिंचैन पड़ा हुआ है? नहीं यार सिंचैन तो अंदर होगा। अबे भाई ये तो सिंचैन ही है सही में। अबे सिंचैन क्या कर रहा है, वे नीचे क्यों पड़ा हुआ है तू भाई, ये तो बेहोश पड़ा है भाई, इसे फटाफट से उठाकर भाई अंदर लेके चलता हूँ, और फिर जब इसे होश आएगा भाई जब पूछेंगे इसके साथ क्या हुआ है। फाइनली यार सिंचैन को होश तो आ चुका है भाई। सिंचैन तेरे साथ क्या हुआ है भाई, तू बाहर क्यों पड़ा हुआ था वहाँ पे? यार फ्रैंकलिन भैया यार वो कार। कार कौन सी कार? फ्रैंकलिन भैया यार जो तुम कार लाए थे ना वो अपने आप चलती है यार, और उसी ने मेरे को ठोका यार बहुत बुरा। कार अपने आप चलती है? ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मैं ही लेके गया था, वो और यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे नहीं पता यार फ्रैंकलिन भैया, पर उसी ने मुझे ठोका है। अबे सिंचैन तू मेरे साथ आ, बाहर दिखाता हूँ तेरे को, उस कार को मैं ही लेके गया था और वो अभी गैराज में खड़ी हुई है, अभी मैं ही लेके आया हूँ उसे। अरे पर लेकिन फ्रैंकलिन भैया यार मेरी बात का भी
तो यकीन करो यार। अच्छा चल ठीक है भाई, पहले मेरे साथ तो आ तू। पता नहीं गाइस यार क्या बोले जा रहा है भाई। देखो यहाँ पर अभी मैं कार खड़ी करके गया था ये वाली, और ये अभी भी है। सिंचन तू खुद बता, अगर ये कार चलती तो भाई ये यहाँ से अभी कहीं और भी तो जा सकती थी। अभी मैं क्या करता हूँ, इस कार को फटाफट से बाहर निकाल दो, और भाई तेरे को ना पूरा यकीन हो जाएगा अभी ये कार अपने आप नहीं चल सकती। ये क्या, कोई भी कार अपने आप नहीं चल सकती यार। ये लो भाई ये कार मैंने यहाँ पर लगा दी है, अभी देखते हैं ये कार भाई अपने आप चलेगी या फिर नहीं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया चलती है यार, इसके सामने सटो। सिंचन को मैंने साइड में खड़ा कर दिया, अब इस कार को मैं लात मारूंगा। ये ले भाई, कुछ हुआ सिंचन भाई, गाड़ी हिल तक नहीं रही है। ये ले भाई गन निकाल के भी मारूंगा ना इसमें। भाई कुछ भी नहीं होता यार, कार ऐसे कैसे चल सकती है अपने आप। अरे यार फ्रैंकलिन भैया चलती है, तुम मेरी बात का यकीन करो, उसके सामने सट जाओ यार। अबे नहीं चल सकती सिंचन, कोई कार ऐसे नहीं चल सकती। देखा देखा फ्रैंकलिन भैया, उसके सामने सटो यार, जल्दी हटो। भाई यार ये ऐसे कैसे चल रही है यार, इसके अंदर तो सच्ची में कोई नहीं है भाई, ये मार देगा, मैं मर जाऊंगा। अबे मर जाऊंगा यार, छोड़ दे भाई, छोड़ दे। इसकी भैंस क्या भाई, ये कार नहीं बचेगी अब भाई, ये गई। फोड़ दी भाई मैंने, अबे फोड़ी नहीं भाई, फूटी नहीं, मतलब ये भाई क्या कार है भाई, फूट के नहीं दे रही भाई, नहीं फूट रही भाई। ये कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, उसमें इतनी आरपीजी बजा ली मैंने भाई। अभी मैं रॉकेट लॉन्चर निकालने वाला हूँ भाई, आरपीजी से तो कुछ भी नहीं हो रहा, हो सकता है रॉकेट लॉन्चर से भाई ये फूट जाए। पर लेकिन इस रॉकेट लॉन्चर को भाई मैं अंदर होके ट्राई करने वाला हूँ, मतलब अंदर होके मारने वाला हूँ। फूट गई क्या, लग तो रहा यार जैसे कि फूट गई हो भाई, फूट गई कार। रुक जाओ एक और मार देता हूँ भाई इसमें, मैं नहीं चाहता कि यार ये कार वापस जिंदा और भाई हमें फिर से परेशान करे। फ्रैंकलिन तो इस कार को फोड़ दिया है, फ्रैंकलिन को नहीं पता है कि ये कार अपने आप रिपेयर भी हो सकती है, और ये कार अपने आप रिपेयर होने के बाद में काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी, और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगी। अब इसके आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में पता चलने वाली है, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।